इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करना है वहां चार्ज रखिए, टेस्ट चार्ज देखिए, टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स के मैग्नीट्यूड, फोर्स को चार्ज से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आपका आ गया। दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका एक और था गॉस थ्योरम से। गॉस थ्योरम भी हमने सारी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए, यहां भी हम बायो सेवर्ट लॉ यूज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए, और उसके साथ बाद एक थ्योरम यूज करेंगे और वो थ्योरम अभी बाद में आ गया। तो पहले सबसे पहले बायो सेवर्ट लॉ का यूज करते हैं, बायो सेवर्ट लॉ का यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए, और पहली डेरिवेशन है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप और कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप और कॉइल, यह आपका एक सर्कुलर लूप और इसमें करंट फ्लो कर रही है, ये करंट फ्लो कर रही है इसमें आपकी तरफ से देखने पर कैसी, क्लॉकवाइज, ठीक है। इस सर्कुलर लूप का कहीं यहां बीच में सेंटर होगा जहां मेरी उंगली की टिप है। इस सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है, इस पूरे सर्कुलर लूप ने कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाया है इस सेंटर पर, यह हमें फाइंड करना है। यूज करेंगे बायो सेवर्ट लॉ, ठीक है। यूज क्या करेंगे, बायो सेवर्ट लॉ यूज करेंगे। बहुत छोटी सी डेरिवेशन है, बहुत सिंपल सी डेरिवेशन है और इत्तेफाक से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ चुकी है, बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है। ध्यान से समझिएगा, सिंपल सी डेरिवेशन है, छोटी सी डेरिवेशन है। ये एक सर्कुलर लूप है और इस लूप का सेंटर होगा कहीं ना कहीं, दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, ओ सेंटर है यहां, और इस सर्कुलर लूप में आपका करंट फ्लो कर रहा है, कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई। पॉइंट ओ पर मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड करना है, यूज करना है क्या, बायो सेवर्ट लॉ। तो आपने क्या काम करना होगा, कहीं इस सर्कुलर लूप पर एक छोटा सा करंट एलिमेंट आपको कंसीडर करना है, डीएल करंट एलिमेंट, और ये सर्कुलर लूप की रेडियस है, यहां इस रेडियस को ए लिखा करते हैं अक्सर, आप आर लिख दीजिए, स्मॉल आर लिख दीजिए, कैपिटल आर लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, अक्सर स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहां पॉइंट ओ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ठीक है। ध्यान दीजिए कि इस समय करंट एलिमेंट और जो लाइन आपकी ज्वाइन कर रही है पॉइंट को करंट एलिमेंट से, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट ओ बाय सेवर्ट लॉ, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, डी बी इज इक्वल टू कितना होगा बोलिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा बाय ए स्क्वायर, हेयर थीटा 90 डिग्री, तो फिर आपका बना डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आईडीएल बाय ए स्क्वायर। अब ये तो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट, ऐसे ही बहुत सारे करंट एलिमेंट्स आप ले लीजिए, हर एक करंट एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड यहां फाइंड कीजिए, उन सारे मैग्नेटिक फील्ड को जोड़ दीजिए। अच्छा देखिए ध्यान से, डायरेक्शन क्या होगी इस मैग्नेटिक फील्ड की, इस करंट एलिमेंट के कारण राइट हैंड पाम रूल लगाइए, करंट एलिमेंट में डायरेक्शन ऑफ करंट में रखिए अपना अंगूठा ये, और उंगलियों को रख दीजिए उस पॉइंट की तरफ जहां आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ओ की तरफ। तो डायरेक्शन ऑफ पुश गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कहां होगा मैग्नेटिक फील्ड, यहां परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन, ठीक है। अगर आप यहां ले लेते हैं करंट एलिमेंट, देखिए ध्यान से,
आपने यहां करंट एलिमेंट ले लिया तो भी करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रखेंगे, पॉइंट ओ की तरफ को रखेंगे अपनी उंगलियां तो भी डायरेक्शन ऑफ पुश कहां रहा है, परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन। ये करंट एलिमेंट लिया आपने, इस करंट एलिमेंट में डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट में जिस तरफ आपकी करंट है, जिस डायरेक्शन ऑफ करंट पर रखा आपने अंगूठा, उंगलियों को रखा कहां, उस पॉइंट की तरफ जहां आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो अब जो पुश है, डायरेक्शन ऑफ पुश ऑफ योर पाम गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहां मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा, परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन। इसी तरह से अगर आप यहां ले लो एक करंट एलिमेंट डीएल, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, अब राइट हैंड रूल मैं उल्टा उल्टा कैसे लगाऊं, देखो डायरेक्शन ऑफ करंट लिखनी पड़ेगी आपको, यहां अंगूठा डायरेक्शन ऑफ करंट में रखना पड़ेगा। ये देखिए ऐसे लूंगा अब मैं इसे, ये डायरेक्शन ऑफ करंट पे कहा गया मेरा अंगूठा और उंगलियां कहा गई उस पॉइंट की तरफ जहां मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो डायरेक्शन ऑफ पुश कैसा है, इनटू द प्लेन। सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है। बाय राइट हैंड पाम रूल द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एनी एलिमेंट ऑफ लूप इज सेम, दैट इज परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन। तो इसलिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट ओ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीबी, और लूप की लेंथ कम से कम कितनी हो सकती है, जीरो, और मैक्सिमम इस लूप की लेंथ कितनी हो सकती है, 2 पाई a, a लिखा हुआ है यहां पर हमने रेडियस को, तो कितना बना देखिए ध्यान से, ये 0 से 2 पाई a तक db की वैल्यू उठाकर रख लीजिए, म्यू नॉट बाय 4 पाई आईडीएल बाय a स्क्वायर। म्यू नॉट कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, करंट भी कांस्टेंट है हर एलिमेंट में, और हर एलिमेंट की पॉइंट ओ से डिस्टेंस भी कांस्टेंट है। तो सिंपली इसे क्या करेंगे, हम सिंपली इसे इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लेंगे, जीरो से b इज इक्वल टू कितना बना आपका, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए स्क्वायर फ्रॉम 0 टू 2 पाई a dl, और dl छोटे 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 dl आप जोड़ते गए, अल्टीमेटली क्या बन गया, पूरा सर्किल बन गया। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई I by a square, dl का इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई a तक करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 2 पाई a आएगा। a से a कैंसिल कर दीजिए आप, यहां 2 से 2, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब आपके b की वैल्यू निकल कर आई कितनी, म्यू नॉट i by 2 a टेस्ला। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। देखिए हम यहां दो वर्ड यूज करेंगे बार बार, कभी हम कहेंगे लूप, कभी तो कहेंगे क्या, लूप, और कभी हम बोलेंगे वर्ड कॉइल। तो लूप और कॉइल में क्या डिफरेंस है, अगर आपके पास सिर्फ एक चक्कर है, एक टर्न है, तो इसे कहा जाएगा लूप, और अगर एक से ज्यादा है तो उसे कहा जाएगा कॉइल। समझ रहे बात को, एक है ये जैसे इस टाइम मेरे हाथ में, तो एक लूप है, और ऐसी और सारे हो जाए इसी के ऊपर नीचे, कई सारे टर्न लपेट दो तार के चक्कर आप, तो ये क्या बन जाएगा, कॉइल। तो यहां एक छोटा सा हम लास्ट करेंगे चेंज किया, इफ द कॉइल हैज एन टर्न्स, तो एक टर्न का मैग्नेटिक फील्ड यह आया, एन टर्न्स का कितना होगा, एन से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, म्यू नॉट एन आई बाय 2 a टेस्ला कॉइल के लिए। ये किसके लिए है, ये लूप के लिए। जल्दी से कीजिए,